बलौदा बाजार जिला के ग्राम पंचायत करदा में नवनिर्मित भवन में छात्र छात्राएं अपने भविष्य निर्माण के लिए पाई कर रहे छात्र छात्राओं के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा नवनिर्मित हाई स्कूल भवन निर्माण किया गया है, जो शिक्षा विभाग को बिना हैंडओवर किए ही दीवार बीम पर कई जगह पर दरारें पड़ चुके हैं। यहाँ तक कि बरसात के दिनों में छत से पानी टपकते हैं। ग्राम पंचायत सरपंच महेश साहू व पंचों ने बताया कि आवासीय मजदूर उस नवनिर्मित भवन पर रुके हुए थे, जिससे पता चला कि दीवार में दरार के साथ साथ छत से भी पानी टपक रहा है। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि यह नवनिर्मित हाई स्कूल भवन छात्र छात्राओं के पने योग्य नहीं है। यह दीवार कभी भी ढह सकता है, जिससे पने वाले छात्र छात्राओं व अध्यापक की जान का खतरा बन सकता है, जो कभी भी धराशायी हो सकता है। और अब यह स्कूल भगवान भरोसे खड़ा है। वही जिस समय इस हाई स्कूल का निर्माण किया जा रहा था, तो पूर्व जनप्रतिनिधियों ने भी इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों के पास किए थे। दीवार की दरारें व छत से पानी टपकने से पता चलता है कि अधिकारियों ने जांच नहीं किया और न ही निर्माण कार्य में विभाग द्वारा सुधार लाया गया। इससे ग्रामीणों में भारी रोष है। अब देखना होगा कि अधिकारियों की नींद कब खुलती है। देखा जाए तो एक्चुअली वो तरीके से नहीं बन पाया है। अभी जैसे बारिश हुआ था उसमें, जैसे कि प्रवासी मजदूर भी थे उसमें, और जगह जगह पर पानी थीप रहा वहाँ से, और पूरा यानी कि जर्जर टाइप में है, यानी कि बच्चे लोग को पढ़ने योग्य नहीं है। सरकार से मेरा यही निवेदन है कि उसके तरीके से जाँच कर कार्रवाई जल्द से जल्द करें। अभी क्या हुआ, हैंड ओवर हुआ कि नहीं हुआ? अभी तक हैंड ओवर नहीं हुआ है उसमें। उसमें कुछ क्या 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 दिक्कतें वहाँ पे? अभी वहाँ उसमें का जो है समतलीकरण नहीं हुआ है, और जो बोर का जो निर्माण है, बोर का निर्माण भी कार्य जो पूरा होना था वो भी अभी तक अधूरा है। और देखा जाए तो अभी तक उसमें कुछ सुविधा ही नहीं है। उनके बारे में कहीं शिकायत किए थे? अभी उसके बारे में तो कन्फर्म नहीं मालूम, लेकिन जानकारी के अनुसार से जो पूर्व में जो प्रतिनिधि थे पंचायत और ग्रामीण लोग कलेक्टर के पास शायद शिकायत किए हैं, और जिसके अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ है। क्या नाम आपका? महेश कुमार साहू, ग्राम पंचायत करदा सरपंच। अभी हमारे ग्राम करदा में हाई स्कूल नवनिर्मित बना है, उसमें जगह जगह दरार अभी से आ रहा है। अभी तक इसका हैंड ओवर नहीं हुआ है, छत से पानी टपकता है, और इसमें रेत गिट्टी का उपयोग ज्यादा किया है, सीमेंट का उपयोग कम किया गया है, और इसलिए अभी सामने देखो यहाँ पर बॉर्डर जो अभी फट टूट गया है। आगे का जाकर देखो जगह जगह बड़ा बड़ा दरार आ गया है, और ऊपर से छत से मतलब पानी टपकता है। यहाँ इस बच्चों को पढ़ाने के लिए मतलब उतना व्यवस्था नहीं है, कभी भी ये जर्जर भवन गिर सकता है। मतलब डर है बच्चों की जान की? हाँ, बच्चों की जान की खतरा है, डर है इसमें। तो जिस समय भवन निर्माण हो रहा था, हाँ, उस समय आप लोग उसको शिकायत किए क्या? हाँ किए थे सर, शिकायत। किसके पास किए थे? वो कलेक्टर के पास किए थे, और लोक निर्माण विभाग में किए थे। क्या आश्वासन मिला था वहाँ से? वहाँ सर किए थे, हाँ चेक करेंगे, मतलब कार्रवाई करेंगे, बस बोल दिए। लेकिन अभी तक कोई चेक करने भी नहीं आया है, कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है अभी तक। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं सर इसका कार्रवाई हो, और इस भवन में मतलब कुछ बच्चे को ही पढ़ाने के लिए हैंड ओवर नहीं लिया जाए। अच्छा, कौन ठेका कौन से बनाया था बताया आपको? ये ठेकेदार बाहर का था सर, और यहाँ तो हम लोग पता नहीं, उसका नाम भी जानकारी भी नहीं है, मैं शायद आरंग साइड का है वो। अच्छा ठीक, क्या नाम आपका? मैं हीरालाल साहू, अभी वर्तमान वार्ड क्रमांक 13 से पंच हूँ। कौन सा गाँव है? करदा।